सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले दो बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से निकल के आ रही है। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंतर खराबी दिल्ली कैपिटल्स टीम के फ़ैन हैं और आप भी चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीत जाए, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको दिल्ली कैपिटल टीम से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स टीम की न्यूज़ सबसे पहले देखनी है तो अभी आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमें टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे आपको दिल्ली कैपिटल्स टीम की न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पहले बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की तरफ से निकल के आ रही है। तो हम आपको बता दें कि इस समय भारत में सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें हम आपको बता दें कि हमें पृथ्वी शॉ की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि कल के दिन ही पृथ्वी शॉ ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी है, जिसमें पृथ्वी शॉ ने इस मुकाबले में 61 बॉल खेली, जिसमें 13 चौके जबकि 9 शानदार छक्के की मदद से 134 बनाए थे, जिसमें हम आपको बता दें कि उनका स्ट्राइक रेट लगभग 220 रहा था। जैसे कि आप लोग जानते हो कि उन्होंने पहले मैच में भी हाफ सेंचुरी लगाई थी, जिसके बाद से ये कन्फर्म हो चुका है कि वो डोमेस्टिक में बहुत ही शानदार खेल दिखा रहे हैं और वो हमें कुछ ही टाइम बाद से टीम इंडिया की तरफ से भी खेलते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों वहीं बात की दूसरी बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में, तो हम आपको बता दें कि हमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यश धूल भी खेलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि यश धूल ने भी अपने शानदार मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी थी, जिसमें हम आपको बता दें कि उन्हें दिल्ली के लिए खेलते हुए 45 बॉल में शानदार 66 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके जबकि 4 शानदार छक्के शामिल थे, जिसमें हम आपको बता दें कि उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 150 रहा था। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी इसमें बहुत ही शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमें शार्दुल ठाकुर भी अब T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेलते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद से कन्फर्म हो चुका है कि दिल्ली कैपिटल्स टीम का स्क्वाड बहुत ही अच्छा है। दोस्तों दो बिगेस्ट गुड न्यूज़ थी जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से निकल के आ रही थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक आईपीएल 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।